जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला सुपरहिट सीरियल कुंडली भाग्य सालों से दर्शकों को एंटरटेन करता आ रहा है। इस सीरियल के सभी कलाकार लोगों को काफी पसंद आते हैं। तो चलिए आज हमारी इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस शो से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। हम में से कई लोग जानते हैं कि कुंडली भाग्य टीवी शो कुमकुम भाग्य का स्पिन ऑफ सीरीज है। ये टेलीविजन पर पेश किया गया अपने तरह का पहला कॉन्सेप्ट है। ये शो जी टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य का एक्सटेंशन है, जो प्रज्ञा की लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर प्रीता और सृष्टि पर आधारित है। कुंडली भाग्य ने पूर्व बॉलीवुड डायरेक्टर मनमोहन देसाई के फिल्मों का कॉन्सेप्ट टीवी शो में उपयोग किया है, जिसमें बिछड़े हुए बच्चे अपने माता पिता से मिलते हैं। प्रीता और सृष्टि अपने पिता के निधन के बाद अपनी माता को ढूंढने मुंबई आ जाते हैं। कुंडली भाग्य अपने डेब्यू वीक में ही चौथा सबसे ज्यादा देखने वाला शो बन गया। टीआरपी में इस शो ने बहुत कमाल कर दिखाया और ये शो उस साल दिसंबर तक सबसे ज्यादा आगे रहा। वहीं इस शो ने अब 4 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बात की जाए श्रद्धा आर्या की, तो उनका किरदार प्रीता तो अब लोकप्रियता के मामले में टीवी के कई बड़े किरदारों को भी टक्कर देता है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस रोल के लिए श्रद्धा आर्या मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। श्रद्धा आर्या से पहले मेकर्स इस रोल का ऑफर टीवी की कई हसीनाओं को दे चुके थे, जिसमें सनाया ईरानी, अंकिता लोखंडे, रति पांडे, सना खान, टीना दत्ता जैसी एक्ट्रेसेस शामिल थी। आखिरकार कुंडली भाग्य की प्रीता का रोल श्रद्धा आर्या के खाते में आया और आज इस किरदार की बदौलत श्रद्धा आर्या लाखों करोड़ों दिलों में खास जगह बना चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि धीरज धूप पर एक्चुअल में एक मॉडल बनना चाहते थे। वो बहुत ही कीडली फैशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे अपने हाइट के चलते। लेकिन इन सब के बावजूद वो 100 से भी ज्यादा कमर्शियल एड्स में नजर आ चुके हैं। बता दें, धीरज को आज भी फैशन का बहुत शौक है। उन्होंने कई बार अपने जैकेट्स खुद डिजाइन किए हैं। श्रद्धा आर्या दरअसल दिल्ली से है, वो 2015 में मुंबई शिफ्ट हुई। श्रद्धा भी धीरज की तरह कई एड्स में काम कर चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा आर्या ने 2011 में एक एनआरआई से एंगेजमेंट की थी, लेकिन बाद में बात नहीं बन पाई। श्रद्धा इंडियन टेलीविजन और कई साउथ इंडियन फिल्म्स में नजर आ चुकी हैं। शो की सृष्टि की बात करें तो वो उम्र में 24 साल की दिखाई देती हैं, लेकिन असलियत में अंजुम की उम्र 31 साल है। उन्होंने अपना करियर तब शुरू किया जब वो केवल 19 साल की थी। अपने सपनों को पूरा करने की चाह में अंजुम ने अपने परिवार को छोड़ दिया। उन्हें कुंडली भाग्य से पहले जी टीवी के शो एक था राजा एक थी रानी में देखा गया, लेकिन इस एक्ट्रेस ने आज घर घर में पहचान बनाई सीरियल कुंडली भाग्य से। शो की पूरी कास्ट काफी फन लविंग है। सभी लोग अपने फैंस के साथ मजेदार वीडियोस और फोटोज शेयर करते रहते हैं। अब रिसेंटली शेयर किए गए इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें प्रीता और करण काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आए। वहीं ऐसे कई वीडियोस हैं जो शो की सृष्टि यानी कि अंजुम भी शेयर करती रहती है। डालिए एक नजर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीवी के सबसे पॉपुलर शो में शामिल कुंडली भाग्य की सबसे पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या इस शो के हर एपिसोड के लिए करीब 1 लाख रुपए लेती है। वहीं शो के लीड हीरो करण उर्फ धीरज भी करीब 1 लाख तक हर एपिसोड कमाते हैं। प्रीता उर्फ श्रद्धा आर्या अभिनेत्री श्रीदेवी के बाद पहली अभिनेत्री है जिन्होंने
चार्ली चैपलिन का रूप धारण किया। वो भेष बदल कर चार्ली चैपलिन बनकर करण के घर जाती है। श्रद्धा टेलीविजन की एकमात्र एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया है। वेल, आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।